ગઈકાલે રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતને ચોટીલા કોર્ટ દ્વારા 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવતા કરણી સેનામાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. ગુજરાત સરકારને આવતી 2022 ની ચૂંટણીમાં જોઈ લેવાની ધમકી ઉચ્ચારી હતી. અહેવાલ જગજીતસિંહ જોયા ચોટીલા. के लिए अगर कोई काम करना गुना है तो ये साबित हुआ गुजरात में. एक राजपूत लड़की के लिए, हमारे समाज की लड़की के लिए, बहन बेटी के लिए जो राजपूत समाज करता है हमेशा, वो करने के लिए मेरे अध्यक्ष गुजरात के, उन्होंने पूरी मदद करने के प्रयास किया. उसका नतीजा राजकरण करके आज हमारे अध्यक्ष जी को छोटे मामले में फंसा कर, उनके कार्यों में तकलीफ दे करके उनको हर तरीके से प्रताड़ित कर रही है यहाँ की सरकार. हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, पर ये पूरी सरकार ने जो राजपूत समाज हमेशा बीजेपी का भक्त रहा, अंधभक्त रहा, भक्त नहीं अंधभक्त रहा है, और उसने अपना सब कुछ निछावर किया है बीजेपी को बनाने में, बीजेपी को आगे लाने में. आज ही बीजेपी की सरकार होते हुए हिंदुत्व की बात करते हुए, अब हिंदुत्व की रक्षा करने की, गाय की रक्षा करने के लिए जो काम हम करते हैं, उन सब के लिए उन्होंने इतना अत्याचार एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर किया है. अब हमने पहले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी ऐसा हुआ हमारे साथ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ और मध्य प्रदेश में. हमने कहा कमल की फूल हमारी भूल, और हमने तीनों सरकारें गमा दी. और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, हम ये प्रशासन से लड़ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारी एक छोटे से काम, क्रिमिनल लेके, हमारा अध्यक्ष क्रिमिनल जैसे गाड़ियों में लेके आ रहे. एक आदमी इंसान की, इंसानियत के लिए, अपने समाज की बेटी के लिए सामने आ रहा है, उसके लिए इतनी इतना जाप्ता. मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए मुझे यहाँ प्रशासन ने मिलने तक नहीं दिया, एक मिनट मेरे को बात करने नहीं दी. क्या उन्होंने मर्डर किया क्या? आप क्राइम को रोके ना. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले गुजरात में दारू आ रहा था, उसके लिए रोकने के लिए बोला कि यहाँ किस मंत्री के साथ है, या ऐसा कौन मंत्री लिप्त है जिसकी वजह से यहाँ दारू गुजरात में सप्लाई होता है, और उसके लिए बोलते पहले हमारे अध्यक्ष को अंदर डाल दिया. तो कमल का फूल हमारी भूल, हम आज कह के जा रहे हैं, हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, तो हम आपको ये सबक तो सिखा देंगे. मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेकर किसी आंदोलन को हम छेड़ेंगे, कमल का फूल हमारी भूल को हम साबित करके रहेंगे, और इस सरकार को दिखा देंगे. आपको 25 साल हो गए गुजरात में, आपकी जो दमनकारी नीति को जो आप अपना रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या रहेगा आप आने वाले समय में देख लीजिए. वैसे आपको दिखने लग ही गया होगा, मैं भी 3 दिन से गुजरात में देख रहा हूँ, मैं इस चीज़ में पता लग रहा, मुझे आपकी रणनीति का भी पता लगा रहे हैं, आपकी हालत क्या होनी आने वाला समय बताएगा. जय मां भवानी.